अगर आप भी मांग में ऐसे लगाते हैं सिंदूर तो आपके पति हो सकते हैं आपसे दूर। एक हिंदू परिवार से संबंधित शादीशुदा महिला को सिंदूर की महत्वता भली प्रकार से पता होती है। सिंदूर को हमारे हिंदू धर्म में सुहाग की निशानी माना जाता है और एक महिला के सम्मान में इसका बड़ा योगदान होता है। लेकिन सिंदूर के बारे में हमें सही जानकारी, जैसे कि उसे कैसे लगाना है और आखिर ये क्यों लगाया जाता है, इन सभी का हमें पता नहीं होता और फिर गलत तरीके से सिंदूर का प्रयोग करने के कारण ही हमें दोष लगता है। जो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश तथा और घर में गरीबी दरिद्रता का कारण बनता है। दरअसल मांग में सिंदूर लगाने के पीछे अनेक कारण है, ज्योतिष कारण, सामाजिक कारण और वैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, आज हम इन सभी विषय पर बात करेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि किस तरीके से आप सिंदूर लगाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि महिला सिंदूर लगाने का सही तरीका जान ले तो उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि दोस्तों, त्राटक या मेडिटेशन से कोई भी व्यक्ति अपना सिक्स सेंस यानी कि अपना छठा आज्ञा चक्र खोल देता है और जिसका छठा आज्ञा चक्र जागृत होता है उसमें दूसरों की मन की बात जाने की शक्ति आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आपने गौर किया होगा कि जो महिला सदैव मांग में सिंदूर लगाकर रखती है उन्हें कई बार ऐसा होता है कि जो भी कोई अनहोनी होने वाली होती है उसका उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। दोस्तों, इन चीजों को आप अपनी मम्मी, दादी, नानी या जो भी बुजुर्ग महिला है जो कई सालों से सिंदूर लगाती आई है उनके व्यवहार तथा उनके आचरण को परख कर देख सकती है। ये सभी चीज उन्हें पहले से ज्ञात इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत अवस्था में होता है। दोस्तों, नारी को एक शक्ति का रूप माना गया है। आपने ये गौर किया होगा कि जब कोई भी गर्भवती महिला कन्या को जन्म देने वाली होती है उन 9 महीने में उस महिला के साथ अच्छी घटनाएं होने लगती है। उसकी जो भी मनोकामना होती वह पूरी होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया ये सभी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि वह शक्ति को जन्म देने वाली होती है। ऐसा माना जाता कि जो भी स्त्री सदैव सिंदूर लगा के रखती है उसमें ऐसी ऊर्जाएं जागृत रहती है जो उन्हें हर परेशानी से बचाए रखती है, साथ ही अपने परिवार को भी संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। मांग में सिंदूर कैसे लगाए? दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे मांग का सिंदूर आपको और आपके पति एवं परिवार को प्रभावित करता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहते हैं वहां तक वे पहुंच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुप कर रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है। सिंदूर लगाने का तरीका, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत अशुभ मन गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है।